जितने भी भारत के लोग हैं वो दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक करते हैं धम्म और एक करते हैं धर्म। आम आदमी जो होता है वो ये मानता है कि धम्म और धर्म दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही प्रकार हैं, एक चीज़ के नाम हैं। ये बात कहीं तक ठीक भी है, क्योंकि धम्म पाली में पुरानी भाषा के अंदर इसको धम्म बोला करते थे। पुरानी भाषा के अंदर आधा रय नहीं होता, यानी कर्म या शर्म या जर्म या मर्म या प्लाद या कुछ आधा रय वाला कोई शब्द भी पुरानी भाषा में पाली के अंदर नहीं मिलता। जितने भी शब्द मिलते हैं आधे कोई और शब्द मिलते हैं, इसलिए धम्म का जो धर्म बनाया गया वो बाद में छंदस को लेने के बाद, यानी छंदस जो अप्राकृतिक भाषा थी, जो सांस्कृतिक भाषा थी, उसमें इसको बोला गया। धम्म और धम्म में बेसिकली अंतर शब्द के हिसाब से सिर्फ भाषा का है, मगर इसके मतलब में जो इसका जो अर्थ है उस अर्थ के हिसाब से पूरा का पूरा ये बदल जाता है। यानी धम्म का जो मतलब है वो और है और जो धर्म का मतलब है वो और है। धम्म का मतलब होता है पाली के अंदर जो भगवान, जो भगनवान या भंगी बुद्ध ने बताया है, तथागत बुद्ध ने बताया है कि धम्म का मतलब होता है कि जितने दुनिया में पदार्थ हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जानवर है, चाहे ईंट है या पत्थर है, घास है या पेड़ है, सूरज है या चाँद है या पानी है, झरना है, पहाड़ है, कूड़ा है, करकट है, कुछ भी पदार्थ अगर है, कोई भी चीज़ है जिसके अंदर जगह घेरती है या जिसके अंदर वजन होता है, चाहे वो हवा है, उसका काम करने का अपना एक नियम होता है और वो नियम कभी नहीं बदल सकता, वो नियम कभी नहीं बदलता। जैसे पानी का जो धर्म है, पानी का जो नियम है कि पानी पिएंगे तो कैसे काम करेगा, आग पर डालेंगे कैसे काम करेगा, अगर उसको रोशनी में रखेंगे कैसे काम करेगा, अगर उसे जमाएंगे तो कैसे काम करेगा, ये उसका अपना धर्म है और ये पूरी दुनिया के अंदर एक धम्म है, यानी उसका अपना स्वभाव है, अपना उसका गुण है, इसको उन्होंने धम्म कहा है। और जो धर्म है जो बाद में बना, यानी जो बाद में किया, वो मनुष्य जो अपने हिसाब से नियम बनाते हैं अपने जीने के लिए, जो नियम बनाए, जो मनुष्य ने मनुष्य के हिसाब से बनाए या बना के रखे, उसको धर्म कहा जाता है। शब्द का मतलब एक है मगर अर्थ बदल जाते हैं। जब धर्म की बात करते हैं तो प्राकृतिक चीज़ होती है और जब धर्म की बात करते हैं तो अप्राकृतिक होती है और वो मनुष्य के द्वारा बनती है, मैन मेड होती है और वो अलग से संस्कारित चीज़ होती है। इतना सा अंतर होता है धर्म में और धर्म के अंदर। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।